नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। रतलाम झाबुआ में भाजपा को बड़ा झटका, देवास में राहत। मध्य प्रदेश की रतलाम झाबुआ सीट के लिए हुए उपचुनाव में केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा को बड़ा झटका लगा है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया 88,877 मतों से विजयी हुए हैं। भूरिया को 5,35,000 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की निर्मला भूरिया को 4,46,904 वोट मिले। दूसरी ओर देवास विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी गायत्री राजे पवार ने कांग्रेस के जयप्रकाश शास्त्री को 30,778 मतों के अंतर से पराजित किया। उपचुनाव उनके विधायक पति तुकोजीराव पवार के निधन की वजह से कराया गया था। अन्ना हजारे ने कहा, अरविंद केजरीवाल के साथ रहता तो हो जाता बदनाम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राजद अध्यक्ष लालू यादव से गले मिलने पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। अभी तक तो केजरीवाल सिर्फ विपक्षी पार्टियों के निशाने पर थे, लेकिन अब समाज से भी अन्ना हजारे ने भी इस पर तीखा बयान दिया है। उन्होंने केजरीवाल के लालू से गले मिलने को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि मैं अब अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं हूं, वरना मेरा नाम भी इस मामले में खींचा जाता। देश को डरा रहे हैं आमिर खान, शाहनवाज हुसैन ने कहा। असहिष्णुता से जुड़े फिल्म अभिनेता आमिर खान के बयान पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आमिर डर नहीं रहे, बल्कि ऐसे बयान देकर देश को डरा रहे हैं। ऐसे बयानों से देश की छवि खराब होती है। उन्होंने आमिर को नसीहत देते हुए कहा कि मत भूलिए, देश ने आपको स्टार बनाया है। 121 करोड़ लोगों के देश में कोई घटना होती है, लेकिन इसे लेकर हमारे अतुल्य भारत की छवि खराब करना ठीक नहीं है। हुसैन ने कहा कि देश के मुसलमानों के लिए भारत से बेहतर देश कोई नहीं हो सकता। राहुल गांधी पर हमला करते हुए शाहनवाज ने कहा कि राहुल ने साजिशन आमिर के बयान का समर्थन किया है, क्योंकि कांग्रेस का काम ही देश का माहौल बिगाड़ना है। भारत का मच्छर रोकेगा मलेरिया। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भारत में पाई जाने वाली मच्छरों की एक प्रजाति से जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर तैयार किया है, जो मलेरिया के संक्रमण को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। पीएनएएफ जर्नल के मुताबिक वैज्ञानिकों ने भारत में पाई जाने वाली मच्छरों की प्रजाति एनोफेलिज स्टेफेंसी से यह मच्छर तैयार किया है। गौरतलब है कि मलेरिया से हर साल करीब 5,80,000 लोगों की मौत होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के डॉक्टर एंथनी जेम्स और उनकी टीम ने यह मच्छर तैयार किया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।